नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप एक महिला देख पा रहे हैं, नाम है ममता और चुंडीपुर गांव की रहने वाली ये महिला, जो कि खेतों से आती हैं घास काटकर, इसके बाद घर में पहुंचती हैं और बता दें तो उसके बाद नहाने के लिए जाती हैं, जिसके बाद बता दें तो पति जो होते हैं उन्हें कहकर जाती हैं कि मैं अभी आ रही हूं, और उसके बाद बाथरूम से बाहर नहीं आती हैं, जिसके बाद पड़ोस में महिला होती हैं आवाज़ लगाती हैं, और जब वो बताते हैं कि वो वॉशरूम में है, और उसके बाद जब आवाज़ें लगाई जाती हैं तो महिला बाहर नहीं आती। इस समय देख सकते हैं जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और बता दें कि जब बाद में दरवाज़ा जो है वो देखा जाता है, खोलकर तोड़कर देखा जाता है, तो अंदर जो महिला है वो शावर के साथ लटकी हुई पाई जाती हैं। और फिलहाल बता दें तो गांव के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनके जो पति हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी अन्य लोग हैं, उनसे एक बार जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं परिवार से अन्य लोग हैं। आप कौन लगते हैं ममता जी के? रिश्तेदारी में ही हैं? हाँ, रिश्तेदारी से ही हैं, इनके जीजा लगती हैं। अच्छा, साली लगती हैं हमारी। आपकी साली लगती हैं? हाँ जी। तो ये क्या लग रहा है कि इस तरीके से वो बता रहे हैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई, उसके बाद से जब आवाज़ें लगाई बाहर नहीं आई, बाद में शॉवर से लटकी पाई जाती हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन परिवार में कोई अनबन भी नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो अचानक से क्या पता क्या उसके माइंड में आया, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। बता रहे हैं अभी तीन बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं, दो लड़की हैं, एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, और पति के साथ भी ठीक रह रही थी? हाँ, ठीक, पारिवारिक चल रहा था, ठीक सिस्टम चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो चुंडीपुर गांव बता रहे हैं ये? हाँ, चुंडीपुर गांव से। तो कोई ऐसी कभी कोई बात पता चली हो कि वो परेशान हो किसी बात से, या उनके ऊपर कोई दबाव? या नहीं, नहीं, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। अच्छा, ऐसी नहीं आई। हाँ जी, तो अब क्या लग रहा है अभी, यानी कि परिवार इस बारे में बिल्कुल भी असमर्थ है बताने में कि क्या हुआ? हाँ, है, क्या नहीं हुआ? बिल्कुल ही, हमने तो बार बार जाके पूछा क्या दिक्कत हुई, कैसे ये लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया है। पति से जो उनसे हाँ, बात करी सुबह से उसके, हाँ, उससे पति से बात की है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स नहीं, मतलब कुछ पता नहीं लग, कुछ पता नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में इस तरह का, आखिर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो उसने पर किसी से बात नहीं करी, बात नहीं की किसी से, मन में ही रखी, मन में ही रखी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जीजा हैं ममता, जिनकी हमने तस्वीर आपको दिखाई, और बता दें तो ये कल्पना चावला का मर्चरी हाउस है, जहाँ पर उनका शव जो है वो लाया गया ममता का, और अभी पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन परिजनों का यही कहना है, ये आप देख सकते हैं, ये मर्चरी हाउस है कल्पना चावला का, और यहाँ पर शव लाया गया है। अभी परिवार की जो अन्य महिलाएँ हैं वो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अभी पहुंची हैं, उनके जो पति हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, वो क्या कुछ कहती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। और सभी परिवार की जो महिलाएं हैं, मामलों के बाद इतने बड़े बड़े, आपको किसी को क्या लग रहा है कि वो ऐसे, मतलब क्यों इतना बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने? वो तो उसको पता, चाहे उसका की माँ है ना उसके पिताजी, कोई कभी बात नहीं करी, कोई भी कुछ हमारे से मतलब कुछ बात, वो तो इनके घर के मामले का इनको पता, कुछ बात घर में हो ही है। वैसे ठीक रहती थी, सब कुछ ठीक था? वैसे तो हम आते जाते थे, हमारे को मतलब जैसे दिहाड़ी, हमारे को घर भी नहीं मिलती थी, दिहाड़ी पे रहती थी। अच्छा। बच्चे स्कूल चले जाते थे, आए कभी तो दो मिनट, हम पानीपत से आ रहे हैं, कभी परेशान लगी हो कभी हमारे को, तो परेशान तो उसकी माँ बाप नहीं था, परेशान तो बेचारी बहुत थी, परेशान। अब भाई है, दो महीने अंदर खड़ा है। अच्छा। परेशानी तो उसको बहुत ज्यादा है। भाई कहाँ पर है? यहाँ जेल में है। अच्छा, तो वैसे थोड़ा सा परेशान थी? हाँ, वैसे तो परेशान थी, घर के मामले को घर वाले ने पता, चाहे उसको। जी जी। आप परिवार गांव से हैं आप सभी? हम फरीदपुर से। फरीदपुर से, गांव पानीपत के पास है। जी 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 जी। बाकी ये यहाँ पड़ोस में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल बता दें तो जो शव है वो यहाँ पर कल्पना चावला के जो मर्चरी हाउस है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो उनके पति हैं, एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्या उनका कहना है इस पूरे मामले के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ममता के पति हैं। कितने बजे का मामला था? ये ढाई पौने तीन बजे का मामला है। क्या हुआ था? बस बच्चे स्कूल से आए थे, पेपर दे के, उसके बाद उनके वर्दियाँ धोई, वर्दियाँ कपड़े कपड़े धोने के बाद बच्चे को, बड़ी लड़की को बुलाया, भाई कपड़ा अपने ऊपर छत पर टांग दो, वो कपड़े टांग लो, गई मैं नहा के आ रही हूँ, तो एक वो चाय बना दे, उस चाय फिर वो नहाने के लिए अंदर गई, दोबारा आई नहीं हो, बाथरूम में ही अपना चुन्नी बांध रखी थी उसमें शावर में, और इधर में एक लेडीज आ गई हमारी पड़ोस की, जी वो बुलाने के लिए उसको, मैंने कहा अंदर नहा रही है,
दरवाज़ा खोल के बुला लो उसको, उन्होंने आवाज़ मारी दो तीन सुनी, फिर उसने दरवाज़ा खोल के देखा अंदर, उसमें नलकार कर कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं जी, दो लड़की है एक लड़का है जी। तो ये किस चीज़ के साथ उन्होंने खुद को लटकाया वहाँ पे, क्या चीज़, कोई विंडो थी क्या ऊपर शावर का जो वो होता है ना? हाँ, उसको पाइप में बांध रखे थे। उसके पाइप में परेशान थे कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, इकट्ठे काम करके आए, घास को लेके इकट्ठे आए थे हम। इतने में मैं लेट गया, मैंने कहा चल तू नहा ले पहले, उसके बाद मैं अपना काम देख लूँगा। खेतों में जाती थी आपके साथ? घास लाते थे जी बस, वैसे अपनी जमीन तो है नहीं जी, बस वैसे घास। शादी को कितना समय हुआ आपके? 15 साल। बच्चे कितने छोटे हैं आपके? बड़ी लड़की 13 साल की है। तो पत्नी कोई परेशान थी किसी चीज़ से? परेशान नहीं थी। आपको किसी पर कोई शक नहीं सर? ऐसा नहीं, आपके साथ ठीक रह रही थी, बढ़िया रह रही थी, बढ़िया चल रहा था, और सारे परिवार सबके साथ बातचीत ठीक कर रही ठीक चल रहा था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी बिल्कुल। कोई पता नहीं, कोई मन में कुछ पता नहीं क्या था, क्या नहीं, ये इसके बारे में कुछ बीमार तो नहीं रहती थी कोई ऐसी? नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक थी बस, वो भी तो ठीक ही थी, वैसे बुखार थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, हो भी जाता है। वैसे कभी आपसे कोई बात नहीं? नहीं, बस ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे अंदर ही बैठे थे इकट्ठे। आप भी कहीं ना कहीं हैरान है कि क्यों इस तरीके से? कल ही मैंने छुट्टी करी थी बस, कल बैंक में बुलाया था बैंक वालों ने। आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में लगा हुआ हूँ हिंदुस्तान पंप्स। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या लग रहा है आपको? अभी सुसाइड किया है तो आप कोई आगे कार्रवाई, कोई किसी पर कोई शक या कुछ भी ऐसा? सर अभी ऐसा तो कोई नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जी सुभाष। तो हमारे साथ बलराज जी हैं मौके के आईओ। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मामला है पूरा, महिला के सुसाइड का मामला सामने आया, क्या कल दिनांक 20/3/2024 को 4 बजे के शाम के इतला मिली थी कि ममता वाइफ ऑफ सुभाष गांव चुंडीपुर ने गले में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली है, जो उसका पोस्टमार्टम करा रहे आज। तो बता रहे हैं कि वॉशरूम में करी है, घर के बाथरूम में करी जी। तो ये महिला का नाम ममता है सर? ममता। कितनी उम्र है सर? 33 वर्ष। 33 वर्ष है। तो ये बता रहे हैं कि कोई कोई ऐसी बात या घर में कोई लड़ाई झगड़ा है ऐसी कोई? अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आए हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी, गांव कौन सा है? चुंडीपुर गांव है जी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आ चुकी है? हाँ जी, बॉडी आ चुकी है। परिवार ने किसी पे शक जताया? नहीं, अभी कोई शक नहीं। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अभी फिलहाल देख सकते हैं जिनके पति हैं उनसे हमारी बात हुई, जो आईओ हैं मौके के उनसे बात हुई, सभी ने कहा है कि महिला ने कभी किसी से बात ही नहीं की। ममता नाम की जो महिला जिसने सुसाइड कर लिया, उसने कभी किसी से कोई बात ही नहीं की है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग अपने मन में किस तरीके से बातें रखते हैं, किसी से करते नहीं हैं, और फिर जाकर इतने बड़े बड़े जो हैं वो वारदातें हो जाती हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें और फिलहाल परिवार को जो है ये दुख सहने की शक्ति मिले। फिलहाल उन 3 बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया, ये भी बड़े दुख की बात है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय।